हरदा जिले के खिड़किया कृषि उपज मंडी प्रांगण में जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन ने व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव ने किसानों को चेक वितरित किए। यह चेक उस राशि के एवज में थे जो भगोड़े व्यवसायी मोनू जैन ने किसानों से ठगे थे, जिसकी राशि लगभग 72 लाख रुपए हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता शंकर सिंह सोलंकी, शैलेंद्र वर्मा आदि उपस्थित थे। समारोह में विशेष रूप से जिला कलेक्टर ने बताया कि किसानों का पैसा मिलना शासन स्तर पर बड़ा निर्णय है। इस प्रकरण को किसान अपनी सीख में ले ताकि बचा जा सके। किसानों ने मीडिया का भी धन्यवाद दिया, कहा मीडिया ने जो खबरें दिखाई व छापी जिससे प्रशासन ने हमारी राशि जल्द दिलवा दी। बहरहाल मामला यह है कि पिछले 3 माह पहले एक व्यापारी मोनू जैन किसानों की फसल की राशि लेकर भाग गया, जिसमें 200 किसान थे, उन सभी का पैसा अटक गया। फिर किसानों ने मंडी समिति में शिकायत की, इसके बाद प्रशासन ने राशि दिलवाई। कितने राशि है आपकी? मेरी 77,062 रुपए। अच्छा, कितना बेचा था आपने? मैंने करीबन 48 क्विंटल गेहूँ बेचा था मंडी में। अच्छा, जिसका भुगतान हो गया। अब आज कितने लोगों को चेक वितरण किया गया है? 72 किसानों को हमने चेक वितरण किया है आज, और इसके पहले 15 किसानों को चेक वितरण, इस तरह से टोटल 87 किसानों को हम राशि का वितरण करते हैं। कितनी राशि हो? करीब 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए की। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।